आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में निर्जला एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी की जय हो। दोस्तों, भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पिता, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिसके बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में दो व्रतों में नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है, तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मगपान के सदस्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का व्रत फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद
उसे पुष्प विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण अवश्य करें और गोदान भी करनी चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यागादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्राह्मण हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहार आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जय हो।